हेलो फ्रेंड्स, आपका भाई एक न्यू वीडियो लेके आ चुका है। दोस्तों, आप बॉयज़ के लिए इमेजेस जनरेट कर लोगे, लेकिन आप गर्ल्स एंड कपल के लिए कुछ इस तरह की इमेजेस जनरेट करना चाहते हो तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहे। तो दोस्तों, उसके लिए आपको सबसे पहले गूगल पे आके यहाँ सर्च कर देना है बिंग इमेज क्रिएटर। जैसे ही सर्च करोगे आपके सामने एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी, सिंपली आपको टैप करके ओपन कर लेना है। अब दोस्तों, आप यहाँ फर्स्ट टाइम यूजर होंगे तो आपको यहाँ साइन इन करना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, साइन इन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का बॉक्स आएगा। बॉक्स में कहीं भी टैप करना है और जो भी मैं आपको बॉय वाला प्रॉम्प्ट दूंगा सिंपली आपको पेस्ट करना है। ये प्रॉम्प्ट कहां से कॉपी करना है वो भी आगे वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, इसमें आप क्लोथ्स चेंज करना चाहते हो तो सिंपली कर सकते हो। यहां आपको देखने को मिल जाएगा बॉय वेयरिंग व्हाइट टी शर्ट विथ रेड शर्ट। तो सिंपली आप टी शर्ट को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन विथ रेड शर्ट है उसको चेंज करोगे तो आपका अलग अलग इमेजेस आएगा। सिंपली उसके बाद आपको यहाँ एनजे नेम देखने को मिल जाएगा, सिंपली आपको रिप्लेस करना है अपना नेम और दोस्तों क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हमारी इमेजेस कुछ इस तरह बनकर रेडी हो चुकी है। बहुत ही बढ़िया इमेजेस आपको देखने को मिल जाएगी और दोस्तों इसी टाइप की आप इमेजेस जनरेट कर सकते हो। अब दोस्तों, यही प्रॉम्प्ट से आप गर्ल्स के लिए इमेजेस जनरेट करना चाहते हो तो वीडियो में आपको बने रहना पड़ेगा। तो उसके लिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ईयर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आप 18 इयर्स गर्ल रखोगे तो बहुत ही बढ़िया इमेजेस आएगी। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ जो भी बॉय था उसकी जगह रिप्लेस करके गर्ल ऐड करना है। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ सीधा आना है, बॉय वेयरिंग देखने को मिल जाएगा, सिंपली आपको यहाँ गर्ल वेयरिंग ऐड करना है। अब दोस्तों, इतना चेंज करने के बाद आपको यहाँ थोड़ा बहुत देखने को मिल जाएगा व्हाइट टी शर्ट विथ रेड शर्ट। सिंपली आपको ये जो भी पार्ट है उसको निकाल देना है और जो भी मैं आपको राइट साइड में दूंगा सिंपली आपको यहाँ ऐड करना है। तो दोस्तों, जो भी मैंने आपको राइट साइड में दिया सिंपली आपको यहाँ ऐड कर देना है। उसके बाद जो भी नेम था उसको भी चेंज करके कोई भी नेम लिख देना है, मैं यहाँ क्वीन लिख देता हूँ। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा राइट ऑन टी शर्ट। तो सिंपली आपको यहाँ से निकाल देना है टी शर्ट को और सारी ऐड कर देना है और दोस्तों आपको एक कॉमा देना है। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ ही इज लुकिंग देखने को मिल जाएगा, सिंपली आपको एस ऐड करके सी इज लुकिंग कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आपको सो क्यूट है उसके बीच में प्रीटी ऐड करके एक कॉमा दे देना है। इतना जैसे ही करोगे आपका प्रॉम्प्ट जो भी है परफेक्टली गर्ल के लिए बनकर रेडी हो जाएगा। जिस तरह की इमेजेस मैंने थंबनेल में लगाई है उसी तरह की मैं इमेजेस आपको जनरेट करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हमारी इमेजेस कुछ इस तरह बनकर रेडी हो चुकी है और ये वाली इमेजेस मैं आपको ओपन करके बता देता हूँ। आप ज्यादा बार क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपकी परफेक्ट इमेजेस आती रहेगी। यहाँ दोस्तों, आपको सारी पे नेम देखने को नहीं मिलेगा, आप जितनी बार ट्राई कर लो, लेकिन आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। मतलब के जो भी एप्लीकेशन में से आप रील बनाते हो वहां से एडिट अच्छी तरह कर सकते हो। कार पे जो भी नेम था वो देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप ज्यादा बार क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे अलग अलग आपकी इमेजेस आती रहेगी। तो इसी टाइप की आप इमेजेस जनरेट कर सकते हो। अब दोस्तों, कपल के लिए बनाना चाहते हो तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत एडिटिंग करना है। तो दोस्तों, उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ कपल लिख देना है, जो भी गर्ल था उसको रिप्लेस करके कपल ऐड करना है। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ स्टाइलिश पोज है उसके पीछे में जो भी राइट साइड में दूंगा सिंपली आपको यहाँ ऐड करना है। अब दोस्तों, इतना जो भी मैंने राइट साइड में दिया उतना आपको ऐड करने के बाद आपको सीधा जाना है गर्ल वेयरिंग। गर्ल वेयरिंग के आगे आपको और थोड़ा ऐड करना है, जो मैं आपको फिर से राइट साइड में दूंगा। तो मैंने सिंपली यहाँ ऐड कर दिया है। आपको यहाँ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम देखने को मिले तो आपको सिंपली जो भी यहाँ थोड़ा बहुत है उसको निकाल देना है, टी शर्ट तक ला देना है और दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ बीच में एंड ऐड करना है, जिससे दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सिंपली आपको इतना करना है जिस तरह मैंने बताया उस तरह। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ सी इज लुकिंग देखने को मिल जाएगा, सिंपली आपको सी इज को हटाना है और दोस्तों आपको यहाँ दे आर ऐड करना है। तो दोस्तों, मैंने दे आर ऐड कर दिया। अब दोस्तों, आपका प्रॉम्प्ट जो भी परफेक्टली कपल के लिए बनकर रेडी हो चुका है। यहाँ दोस्तों, आपको प्रॉम्प्ट जो भी है लंबा देखने को मिल जाएगा। तो जो भी मैंने अभी अभी जो बॉय वाला राइट साइड में दिया वहाँ आपको थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो आपको थोड़ा बहुत निकाल देना है बीच में से, यहाँ टी शर्ट तक ला देना है, जिससे आपका परफेक्टली हो जाएगा। अब मैं इमेजेस आपको क्रिएट करके भी दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हमारी इमेजेस कुछ इस तरह की बनकर रेडी हो चुकी है और दोस्तों, ये वाली इमेजेस में आपको ओपन करके बता देता हूँ कितनी परफेक्ट एंड दोस्तों बढ़िया इमेजेस आपको देखने को मिल जाएगी। ये वाली भी बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाएगी। गर्ल पे नेम नहीं आ रहा, लेकिन दोस्तों आप एडिटिंग अच्छी तरह कर सकते हो। यहाँ कपल में इस तरह से ही होता है, हम इस तरह का जो भी क्लोथ्स है उसको यूज करते हैं, मतलब कि साड़ी वगैरह यूज करते हैं तो नहीं आता। टी शर्ट करोगे तो आप परफेक्टली नेम ला सकते हो। तो इसी टाइप के आप इमेजेस जनरेट कर सकते हो। अगर
दोस्तों आपको इमेजेस डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कुछ इस तरह लॉन्ग प्रेस करके डाउनलोड इमेज में क्लिक करोगे, उसके बाद ट्राई अगेन करोगे तो आपका इमेजेस परफेक्टली डाउनलोड हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आप सीधा का सीधा 3-4 इमेजेस डाउनलोड करने जाओगे तो मेरे ख्याल से अभी के टाइम में कोई प्रॉब्लम चल रहा है जिसकी वजह से नहीं आता। अब दोस्तों ये जो भी बॉय वाला प्रॉम्प्ट है वो आप कॉपी करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम को ओपन करना है, सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और दोस्तों आपको यहाँ कैपिटल लेटर में लिखना है NJPadiya23, जिससे मेरा कुछ इस तरह का चैनल है आ जाएगा। सिंपली आपको ज्वाइन कर लेना है। यहाँ आपको ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉम्प्ट मिल जाएंगे और ये वाला प्रॉम्प्ट जो भी है मैं बहुत जल्द यहाँ अपलोड कर दूंगा, जहाँ से आप अच्छी तरह कॉपी करके यूज़ कर सकते हो।